नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों, जैसे सन्नी भाई की दुकान पे शिमला मिर्च आई, आगरे की शिमला मिर्च, बोरी वाली जो पापड़ी मिर्च, ये महाराष्ट्र की शिमला मिर्ची, ये मध्य प्रदेश की शिमला मिर्ची, बरेली की शिमला मिर्ची जो आती है, और इनके पास ये खीरे की गाड़ियाँ आई। चलिए जान लेंगे आज का खीरे का भी क्या बाजार चला है। सारी शिमला मिर्च है जी, इधर से इधर तक आज के क्या क्या बाजार है जी। पापड़ी मिर्च, अचारी मिर्च, क्या कुछ पोजीशन है सारे में जानेंगे। इसमें आगरे में दो तीन आती है, एक लाल वाली भी अचारी आती है एक ही। चलिए जान लेंगे संजय भाई से। नमस्कार भाई साहब जी। संजय भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार है? गाड़ियां कल से कम है या ज्यादा है जी? कम है, कल से थोड़ी गाड़ी कम है। अच्छा जी, कल से माल कम है थोड़ा। अच्छा जी, बाजार जो है अब बरेली का बाजार जो चला है समझो ये बड़ा। हाँ अच्छा जी, बरेली का बाजार चला 28-30 का। बरेली 28-30 कल तो ये समझ लो 22 रुपए, 22 रुपए से लेके और 32 रुपए तक बिकी थी। अच्छा जी, क्योंकि बाद में बाजार पिट गया था। अच्छा जी, अच्छा जी। आज 28-30 है जी। चलो जी, बढ़िया जी, बढ़िया। और इसके अलावा आगरे वाली जो आगरे खाखी डब्बे आते हैं, आगरा वाली बिकी है समझो 30 से 35। आगरा वाली 30 रुपए से 30 से 35 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी, और ये इसकी महाराष्ट्र की अभी भी आ रही है? हाँ, महाराष्ट्र आज लास्ट गाड़ी है। अब इसके बाद आएगी नहीं जी? अब इसके बाद बंद हो जाएगी, लास्ट गाड़ी आज। अच्छा जी, आज का क्या बाजार चला जी? सांगली है जी। अभी बन रहा है, देखो अभी बिकी नहीं है। अच्छा जी, फिर भी अंदाजा कोई? अंदाजा बाजार इसका रहेगा 30 के आसपास रहेगा। 30 के आसपास जो 28-30। अभी वहाँ पर कितने दिन चलेगी सांगली में अभी मिर्ची? सांगली में तो मिर्ची तो है अभी, लेकिन यहाँ दिल्ली पकड़ नहीं हो पाएगी क्योंकि लोकल चल पड़ी है। इनका किराया 20 रुपए का, 20 का खर्चा जी इसका। हाँ, 20 रुपए का इसमें खर्चा है और इस भाव का यहाँ लोकल बिक रहा है। अच्छा जी, 25-30-28-26। अच्छा, इनका वारा ही नहीं आएगा या फिर यहाँ जो ज्यादा तेजी हो तब आएगी? तेजी ऐसी होनी नहीं है, अब आएगी ना तो एंड है, मिर्ची भी हल्की हो चुकी है। अच्छा जी, हाँ जी। और इसके अलावा जी मध्य प्रदेश वाली जैसे अपना शिवपुरी वगैरह? शिवपुरी का बाजार वही जो बढ़िया सौदे हैं। हाँ जी, बढ़िया सौदे का बाजार 30-32 रुपए जो हल्के हैं। अच्छा जी, 25-26-28। अच्छा जी, ये शिवपुरी का डब्बे हैं जी, वो उधर रखे पीछे खाकी डब्बे? हाँ, शिवपुरी है ये रहा ना। अच्छा जी, अच्छा ये शिवपुरी है जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और जिसके बाद बात करें जबलपुर की जी? जबलपुर की मिर्ची भी की है 38 रुपए। जबलपुर 38 रुपए। जबलपुर और शिवपुरी तो चलती रहेगी अभी है? ये तो चलेगी अभी, चाहे कितना मर्जी रेट हो, कितना मर्जी हो तो चलेगी। ये तो इनका तो यही लाभ, ज्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर ये भी इधर नहीं आएंगे, फिर ये भी यूपी साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यूपी में से तो पहले आ रही है? यूपी में ये आ रहा है अपना वेस्ट यूपी से। अच्छा जी, देखो उधर ईस्ट यूपी हो गया, उधर तो जाएगा है ना, कानपुर, बनारस। अच्छा जी, गोरखपुर। और ये भाई साहब जी, ये कौन सी है जी? अचारी मिर्ची है ये, आगरा वाली है। हाँ जी, इसका बाजार अचारी मिर्ची का है जो डब्बों में है वो बिकी है समझो 18-20 रुपए। अच्छा जी, डब्बों में ऐसी जी है? अच्छा जी, और कट्टों में बिकी है 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक। अच्छा जी, और नीलम 74 का? नीलम 74 का बाजार रहा है वही 18-20। ये नीलम 74 है ना जी? नीलम 74 है। अच्छा, ये 18-20 रुपए। अच्छा जी, और ये भाई साहब जी आज का खीरा कहाँ का जी है? खीरा रायपुर है। इसका क्या बाजार चला जी? खीरा का बाजार 20 रुपए। खीरा 20 रुपए जी? हाँ जी, 18-20। अच्छा जी, बस मियाँ जी का आज लास्ट चक्कर है जी? लास्ट चक्कर है जी। पर एक बात है, कम से कम 500-600 गाड़ियां तो इन्होंने खिला दी दिल्ली को। हाँ, लगातार रोज गिनगी 4-5 गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद मियाँ जी, अगले साल फिर मिर्ची खिलाइयो जी। अब क्या का काम करोगे जिसके बाद किस चीज का चलता रहेगा जी वहाँ से जी? हमारा करेला चलेगा, टिंडा चलेगा। अच्छा, ये अपना वायर चलेगी गुजरात से, राजस्थान से? अच्छा जी, तो यहाँ दिल्ली आएगा? दिल्ली नहीं आएगी। हाँ जी, दिल्ली वाले अच्छे नहीं। नहीं, फिर कहाँ ले जाएंगे? और यूपी में खिलाएंगे, यूपी। अच्छा जी, अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी में खिलाएंगे आप, कहीं नहीं। आपकी एक बार गेम तो बन गई आपकी अच्छी। अरे गेम बन जाती तो फिर क्या कहने, कपड़े दूसरे बन जाते। धन्यवाद जी मियाँ जी, मजाक करा जी आप भी। दोस्तों, ये सन्नी भाई की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर जी। इतना देर हो गया, गाड़ी का चिच्ची नहीं लाएगा तुमसे? तो जानते हैं आरके एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला। इधर जो है इनके पास यहाँ सब्जियाँ आई आज का, जैसे मटर और फ्रांस बीन तो 12 महीने मिलेगा इनके पास। मटर फ्रांस बीन आज के क्या क्या रेट है जी? मटर की जो बोली चली यहाँ पर, साठ बाय 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 साठ बाय
450 रुपये दोस्तों, 450 रुपये दड़ी गई जी। ये गई दोस्तों 400 रुपये दड़ी, यानी ये जो है उससे छोटे वाली थी जी 390 रुपये, 390 रुपये दड़ी जी, वो 450 गई थी, ये 390 रुपये दड़ी जी। ये गई 460 रुपये, ये 460 रुपये गई जी, 450, 460, 390 रुपये दड़ी जी। ये रेट चल रहे जी मटर के अभी इस समय बोली में, चलिए जान लेंगे रात में क्या रेट गई और कितनी मटर आई। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाऊ जी, आज का कैसा बाजार चला जी? 400 लेके 550 रुपये तक, 400 से लेकर 550 रुपये मटर पूरी आ रही है? हाँ पूरी थी आज, उत्तराखंड भी था, हिमाचल भी था, पूरा था। अच्छा जी, और फ्रांस बीन का भाव जी? 50 से 60 रुपये की, 50 से 60 रुपये। मटर की बिक्री ठीक चल रही जी वैसे? हाँ ठीक चल रही, चल रही, झटके दे दे के चल रही है। अच्छा जी, ये गाड़ियाँ जो अब आ रही है बाद की आती हैं और रात नहीं, रात की बिक रहे हैं, एक एक बोरी फाड़ के बिकती, टाइम तो लगता है उसमें। अच्छा जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ एक एक बोरी फाड़ के बिकती है जी, ऐसे बोरी की फाड़ के बेचेंगे तब बिकेगी, ये यही रिवाज है जी यहाँ से सारी का, हर एक बोरी की अलग अलग बोली होगी। चलिए दोस्तों जान लेंगे इधर का आज का सब्जियां लेखराज जी के पास आज का क्या बाजार चला। हाँ जी राम राम भाऊ जी। भाऊ जी आज का नमस्कार, कद्दू का क्या बाजार चल रहा जी? कद्दू 10 रुपए के लग रहा है, 8-10 रुपए। और जो छोटा जाल, छोटा जाल वाला, वो भी यही 10-12 रुपए। और भिंडी जी? भिंडी 2 नंबर की है, 5-6 रुपए किलो। और जो 1 नंबर भिंडी है जी? 20-22 रुपए किलो। और जो सलगम 1 नंबर का बढ़िया, 400-500 रुपए। हाँ जी 400-500 रुपए, 400-500 रुपए 1 नंबर सलगम। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी अच्छा, और क्या माल आ रहा जी समय? सीडलेस खीरा जी है 18 रुपए, 15-18-20, 15-18-20 रुपए। हाँ जी चलिए धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं महिंदर सिंह भाई जी की दुकान पर आज का क्या शानदार फूल गोभी आई थी, खीरा आया सीडलेस खीरा। जब मैं रात को 2 बजे आया था तो यह गाड़ी उतर रही थी सीडलेस खीरे की जी, और चप्पल टिंडा, देसी टिंडा और बैंगनी। सर जी नमस्कार जी। भाऊ जी आज का देसी टिंडा क्या बाजार? देसी टिंडा 30 रुपये। और चाइनीज खीरा जी है? चाइनीज खीरा 15-16 रुपये। बस इतना मंदा लिया जी, क्या बात जी, बस मंदे तो मंदे ही है त्योहारों की वजह से। अच्छा जी, और ये चप्पल टिंडा जी? ये भी 18-20। अच्छा जी, और आज फूल गोभी बढ़िया वाली जी? फूल गोभी बिके 10-12 रुपये। अच्छा जी, काम हो लिया जी सारी सब्जियां का? सब मंदी होगी जी। अच्छा त्योहार आ गए ना जी? हाँ त्योहारों की वजह से सब चीज मंदी होगी, लोगों को त्योहारों में पैसे चाहिए जी। हाँ ठीक है जी, तो कल तो करवा चौथ है जी, आप भी रखोगे बर्त? कल बाजार, बर्त तो हमारा है ही, हम रोटी खाते नहीं। अच्छा जी। हाँ बर्त नहीं होता, बर्त भगवान कर देता है। अच्छा जी। हाँ मंदा होगा तो हमारा बर्त हो जाएगा। दोस्तों त्योहारों की वजह से लोग जो है ना बाजार में चले गए, और सौदों में पैसे लगा रहे, जैसे बाजार के घर के सामान, जूते कपड़े जो भी है जी, जो भी किसी का सामान है, त्योहारों का मौसम है तो पैसे की जरूरत सबको है जी। खर्चे लोगों के सबके बढ़ गए, इतने खर्चे हो गए। यदि जो गरीब आदमी जो पहले जो 100-200 में या 500 रुपये में जिसकी दिहाड़ी थी ना, वो पहले 500 में काम चलता, अब उसके पास 1500 भी आए ना, तब भी घर के नहीं खर्चे मुकेंगे, क्योंकि सबकी ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई, मोबाइल हो गए, कपड़े जूते, त्यौहार आना जाना, लेना देना, सब कुछ महंगा जी। आदमी खुद कम खर्च लेगा पर घर वाले कहाँ मानेंगे जी, घर वाले तो और ज़्यादा मांगेंगे। लो जी दोस्तों जान लेंगे आज का हरी मिर्ची का भी क्या कुछ बाजार चला। बस हरी मिर्ची का बाजार तो दोस्तों गया जी, अब जो वो चीज़ें थी वो जमाना जा चुका है, अब तो हरी मिर्ची का जो पहले तेजियाँ थी। आज भाऊ जी कहाँ घूम रहे उधर? लो जी वह बैक चले जी। भाऊ जी नमस्कार जी। आप इधर कहाँ घूम रहे जी, क्या देखते फिर रहे जी? बस कुछ नहीं, माल थोड़ा ही था, बस धीरे धीरे बिक रहा। अच्छा जी, आगरा जी है?
ये आगरा जी। इसका क्या बाजार चला भाव जी? आज 34 रुपए किलो। 34 रुपए। और जो ये कौन सी अचारी है जी? अचारी 18 रुपए किलो बिक रही है। अचारी 18 रुपए किलो। अच्छा जी। इसके अलावा कानपुर? कानपुर अब 22 रुपए रहेगा दिन में। अच्छा जी। और कहाँ गया रही बड़ी गाड़ियाँ जी? बस 78 थी, दो तीन गाड़ियाँ जी। 78 कम थी, कल 25 बिकी थी, आज 30 रुपए बिकी। अच्छा जी, ये बरेली वाली जी? हाँ बस यही थी, दो वैरायटी। अच्छा जी। अच्छा, अब रात में आने लग गई जी जहाँ मिर्ची? रात में या दिन में? हाँ। बाहर की कोई गाड़ी नहीं है जी? बाहर की एक भी गाड़ी नहीं? नहीं नहीं, बाहर के 12-13 रुपए खर्चे है काम मिर्ची आज। अच्छा जी। हाँ। जो नागपुर वगैरह कहीं बाहर की सब बंद है? कोई नहीं, कोई। अच्छा, बस लोकली चलेगी जी? हाँ जी, लोकली चलेगी। दिवाली तक तो लोकल, दिवाली बाद निकलेगी। अच्छा जी। अच्छा, दिवाली बाद कहाँ की निकलेगी? नागपुर आ जाएगा। अच्छा, दोबारा जी? हाँ दोबारा आ जाएगा। धन्यवाद सर जी। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर 93-10-47-16-98। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। धनिया का भी काम हो लिया है, 10-8 रुपए से लेकर 12 रुपए तक किलो तक का धनिया का बाजार चल रहा है जी, होलसेल का। धनिया भी अब ज़्यादा आने लग गया है सब्जियों का। इन दिनों में जब लोकल सब्जी चलती है तो ज़्यादा ही मंदा हो जाता है, क्योंकि जब बाहर से आती है किराया भाड़ा लग के तब कुछ और बात है। हमारे यहाँ फसलें ही ज़्यादा होती है हरियाणा पंजाब यूपी में, जब यहाँ वाले लोग चलाएँगे फसल तो इतनी काट देंगे कि ऑटोमेटिक मंद हो जाएगा उसका। यहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पर लाते हैं, जैसे कल वो मिर्ची वाला बुढ़ा था वो बता रहा था कि मैंने 40 बीघे मिर्ची के लगाए जी, और बंदा 40-40 बीघे शिमला मिर्च के लगाने लग गया तो कौन खाएगा जी इसको। दोस्तों सब्जियों का सारियों का थोड़ा सा बिक्री कम हो गई, क्योंकि सब लोग जो है बाजारों में दूसरे सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। जो यहाँ से ग्राहक एक दो दिन में माल ले गए उनके आगे बिकने बंद हो गए, उन्होंने भी कम करना शुरू कर दिया माल। और साथ में जो पहले इन सामानों को बेचते थे सब्जी को, वो कोई कैलेंडर दिए मोमबत्तियाँ और सामान बेचने लग जाते हैं। इस समय जो है थोड़ी सी बिक्री कम हो जाती है। अभी तो सारा ठंडा ही बाजार चल रहा जी, देखो कब तक बाजार आएगा जी, क्या कैसा रेट चल रहा। लो जी भाई साहब के पास खीरा आया, झींगा तोरी। नमस्कार जी, कैसे हो जी? वाह जी वाह, वाह जी वाह, खीरा कद्दू। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसा बाजार चला जी खीरे का जी आज का? कहाँ वाला जी है ये? इंदौर का खीरा बहुत। इंदौर? इंदौर बढ़िया खीरा आता है। जाल वाला है जी सारा? जाल वाला है जी। इसका क्या बाजार चल रहा है जी? 20 रुपए। 20 रुपए। इसके अलावा और कौन सा खीरा रहा जी अपने पास? रायपुर का खीरा है, रायपुर का वो खीरा जो है 22-24 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा जी। और ये बाबू जी कद्दू आज का जाल वाला कद्दू? जाल वाला जी 8 रुपए किलो बिक रहा है। 8 रुपए? 8 रुपए। अच्छा जी। और ये झींगा तोरी जी? झींगा तोरी बिक रहा है 20-22 रुपए। अच्छा जी। और प्लेन तोरी भी आ रही है अपने पास? प्लेन तोरी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, वैसे उसका भी रेट 20 रुपए की रेंज में है। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब जी मोबाइल नंबर दिया भाई? मोबाइल नंबर है 9718591744। बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी भाई साहब के पास तो खीरा और जो है बड़ा और सौदे थे जी। चलिए दोस्तों जान लेंगे भाई साहब के पास ये कद्दू और मिठाई वाला पेठा, कद्दू मिठाई वाला पेठा और जो है अपना पीले वाली गाजर। बोलो जुबान केसरी भाई साहब है जी। चलिए जी आ जाए इनके पास, क्या कुछ रेट चले जी, क्या पोजीशन है? नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार भाई साहब जी, चल रही जी अभी ये गाजर? हाँ अभी चल रही भाई साहब। ये गलती नहीं करी जी अब तक रख के? नहीं अभी एक महीने तक चलती रहेगी। रहे। तो ईब क्या बाजार चल रहा है इसके? इसका भाई साहब बाजार अब डाउन हो गया है, 400-500 रुपए का बाजार हो। फिर जब इसका रेट था पता था अभी दूसरे गाजर आने वाली, फिर निकाली क्यों नहीं जी? भाई साहब निकाला तो था लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था ना कि एकदम से लाल वाली आ जाएगी। अच्छा जी, इसलिए जो है लाल वाली जल्दी आ गई ना? अभी लाल वाली समय से पहले आ गई सर। अच्छा जी। अच्छा, और मंदा भी हो लिया जी उसका? मंदा भी हो। क्या चल रहा है लाल वाली का जी? लाल वाली भाई साहब 1800-2000 रुपए की बोरी, बढ़िया टॉप क्लास। और वजन जी उसमें? वजन वही 65-70 किलो वजन। अच्छा जी। और इसमें कितना है जी? है इसका सर 45-50 किलो वजन है, 400-500 रुपए कट्टा है। पर अब तो ये जो छांट के मैं कहूँ ये 30 किलो माल निकलेगा जी इसमें? हाँ ये कट्टे में सर ज्यादा 25-30 किलो 25 किलो माल निकलेगा जी। अच्छा जी। और आज का मिठाई वाले पेठे का क्या चल रहा है जी? मिठाई वाले पेठे का सर 8-10 रुपए किलो रेट। अच्छा जी। और ये कद्दू जी पीले वाला? कद्दू वाला भी सर 8-12 रुपए तक कोई। अच्छा जी, ये चुकंदर है जी अपने पास? जी हाँ जी चुकंदर। इसका चुकंदर का क्या बाजार जी? चुकंदर सर 18-20 रुपए की। कहाँ वाला जी है? इंदौर है सर, इंदौर। अच्छा जी। और अब नया भी आ लिया जी? जी जी, अब भाई साहब भापुर का भी आ लिया है। अच्छा जी। हाँ जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर सर 9811-5474-00, ज्ञानचंद नारायण 400। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में स्वीट कॉर्न मक्खी के क्या बाजार चल रहे हैं। भाई साहब के पास है स्वीट कॉर्न मक्खी, आ रही आज के क्या क्या रेट हैं, क्या पोजीशन है,
कितनी मक्खी आ रही टोटल लोकल के अलग और कहाँ कहाँ की आ रही जी? नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी स्वीट कॉर्न मक्खी कहाँ कहाँ की कितनी आ रही जी? अभी तो लोकल हरियाणा से आ रही है, सोनीपत हरियाणा, नरेला, पानीपत। बड़ा तगड़ा साइज बनाया जी अब की बार तो। पहले छोटा नहीं था जी इसका ये? अभी इस टाइम मौसम ठंडा हो गया ना, साइज बढ़िया बनेगा। अच्छा जी, तो कब तक चलेगी जी ये? ये चलेगी जनवरी तक। अच्छा जी, फिर उसके बाद गुजरात की आएगी? हाँ, गुजरात अहमदाबाद। अच्छा जी, अब क्या बाजार चल रहा भाई साहब जी? अभी तो 10 रुपये से 11 रुपये किलो। 10 से 11 रुपये किलो, बस कम नहीं है जी? फिर मंदा हो रहा, माल ज्यादा है। अच्छा जी, अच्छा, पहले तो मैं 14-15 चल रहा था इसका बाजार। अच्छा जी, और गाड़ियाँ कितनी आ रही टोटल इसकी जी? अभी गाड़ियाँ बहुत आ रही है, माल बहुत आ रहा है, 2,000-2,500 बोरी आ रही है। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर जी भाई साहब जी? 9811-5836-79। बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी स्वीट कॉर्न मक्खी का देखो, अच्छा जी बढ़िया। चलिए दोस्तों, जानते हैं भाऊ जी के पास जो आंवला आता है, आंवला इनके पास ये आंवला और गुमार फली, और इनके पास आता है करौंदा। करौंदा दो किस्म का आता है, एक करौंदा जो है लाल वाला होता है जो कई दिनों में दिखाया था, वो रात को बिक जाता है जल्दी। एक ये है हरे वाला, ये भी करौंदा है जी। आज के क्या कुछ बाजार चले भाऊ जी? नमस्कार जी भाऊ जी, आज का आंवले का कैसा बाजार चल रहा जी? आंवला जी थोड़ा सुस्त है तो। अच्छा जी, बाजार थोड़ा सुस्त है। आंवले का क्या रेट चले जी? है बढ़िया आंवला, 30-32 बिके हैं। अच्छा, मीडियम 25-28 बाजार। अच्छा जी, और ये हरे वाला 25 रुपए? ये 25 रुपए। और लाल वाला कौन? लाल वाला 70-80 बिक रहा है। अच्छा जी, और इसके कैसे बाजार चल रहे जी? कबार का भी बाजार आज थोड़ा बाजार सुस्त है। अच्छा जी, मोटी के बाद बिक रही है 20-22 रुपए किलो। ये कौन सी में गिनती आएगी जी? मोटा वाला है। अच्छा, 20-22 रुपए। अच्छा जी, और मोखनी सुपर है 32-35 रुपए किलो। अच्छा जी, और मीडियम है 25 रुपए। अच्छा जी, और ड्रमस्टिक नहीं आई आज? ड्रमस्टिक नहीं आई थी। अच्छा जी, 70-80 बाजार में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। पत्ता गोभी की बात करें, पत्ता गोभी का बाजार भी अब टूट गया। कल से जो है 50 रुपए से लेकर 100 रुपए बोरी तक टूट गई जी। पत्ता गोभी का बाजार चल रहा है जी आज 400 रुपए से लेकर 550 रुपए। जो कल 650 रुपए तक टॉप क्लास के सौदे थे, 700 के भी थे, आज उनका बाजार टूट गया जी। 50 से लेकर 100 रुपए की गिरावट आई, क्योंकि पत्ता गोभी मंडी में हापुड़ वाली बहुत ज़्यादा आई, हर दुकान में पाई। यहाँ तो ये कम है ए ब्लॉक में, पर जो उधर किसान साइड है, प्याज वाला साइड है जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बहुत इसके ऊंचे ऊंचे ढेर लगे पड़े। चलिए दोस्तों, जान लेंगे राजस्थान टमाटो एजेंसी के पास हरी मिर्च, कुंदरू, और इनके पास करेला। अब इनका जो है बाहर वाला सीजन शुरू हो चुका है, अब तक तो क्या अब तक क्या बेच रहे थे जी? भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी भाऊ जी, आप तो नए सौदे आ गए जी करेला? हाँ जी। करेले का क्या बाजार चल रहा जी? करेला भाऊ जी 14-15 रुपए। अच्छा जी, और कुंदरू भाऊ जी? कुंदरू भाई 10-11 रुपए। और ये कहाँ वाली मिर्ची है जी? है ये मिर्ची है जी कानपुर की, पतली वाली बारीक वाली आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, इसका क्या बाजार चला जी? इसका भाव जी ये बिकी है 24 रुपए किलो। 24 रुपए। अच्छा जी, और अपनी शकरकंदी की गाड़ियाँ कब आएंगी जी? नहीं, शकरकंदी कम आती है, आती है। पिछले साल तो आती थी आपके पास? आई थी, 2-4 गाड़ी आई थी बस। अच्छा जी, अब की बार नहीं कर रहे शकरकंदी का जी? नहीं, शकरकंदी करने को कर सकते हैं, वो तो कोई आए तो। अच्छा जी, आपके पास और ही काम ज्यादा रहा जी बहुत? हाँ, बाकी आ रहे हमारे और सौदे आ रहे हैं, हरी मिर्ची आ रही है कानपुर से आ रही है। अच्छा जी, अच्छा, ये खत्म होगी तो फिर वो शुरू हो जाएगी अपना गुजरात वाले, पचकोड़ा शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, कलकत्ते वाले। अच्छा जी, अच्छा, साथ बैंगन शैंगन शुरू हो जाएगा। चलिए धन्यवाद भाऊ जी, मोबाइल नंबर जी अपना जी? सुधीर धमीजा 9891011997। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों, इनके भाई साहब के पास ये ड्रमस्टिक आती है, ड्रमस्टिक है जी इनके पास, और ये सलगम है जी, अजनाले वाला पंजाब का सलगम इनके पास, ड्रमस्टिक का और सलगम का, कच्चे आम का, और इनके पास आता है दोस्तों 12 महीने कमल काकड़ी। कमल काकड़ी की इन्हीं की दुकान है। भाऊ जी नमस्कार जी, आज का ड्रमस्टिक का क्या बाजार चल रहा जी भाऊ जी? बढ़िया, हमारा 80 रुपए किलो। अच्छा जी, डिमांड चल रही जी पूरी बढ़िया? हाँ, नंबर दो है जी। अच्छा जी, अच्छा, ये नंबर 30-35। ये नंबर एक में ये है जी? ये भी है। अच्छा जी, अच्छा, ये भी नंबर एक में है? ये दो नंबर। अच्छा जी, अच्छा, और आज का सलगम का बाजार जी भाऊ जी? 30 रुपए किलो सलगम, 30 रुपए किलो जी। और इसके अलावा कच्चा आम? कच्चा आम 60-70 डाउन हो गया। डाउन हो गया जी? हाँ जी। अच्छा जी, रात को ही बिक जाता है जी? रात को। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ जी, मोबाइल नंबर जी? मोबाइल 9899784930। धन्यवाद। दोस्तों बात करें जिमीकंद की, जिमीकंद का बाजार चल रहा है दोस्तों 48 से 50 रुपए, जो बड़ी वाले हैं 48-50, जो दागी निकल जाएंगे वो 40 भी जाएंगे, 37 भी जाएंगे, 35 भी जाएंगे, बड़ी वाले का 48-50 रुपए का है जी, और जो ताज़ी फ्रेश गाड़ी है वो 52 रुपए 50 रुपए बिक जाएगा जी, 52 रुपए जी।
चलिए दोस्तों जान लेंगे दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का मशरूम का क्या बाजार चला। मशरूम मंडी के प्रधान जी से क्या रिपोर्ट है जी। बाऊजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाऊजी क्या क्या बाजार चल रहे, बिक्री कैसी है जी? बिक्री थोड़ी ठंडी है अभी दिवाली के चक्कर में। अच्छा जी। मार्केट रही है 100 से 130। 100 से 130 रुपए जी। अच्छा, बहुत बढ़िया हो तो 40। अच्छा जी। और ये पन्नी वाली कितने दिन लगेंगे जी आने में? पन्नी वाली देखो जी आ जानी चाहिए 7-8 तारीख तक। 7-8 तारीख हो जाना चाहिए। तो रेडी वाले जो छोटे रेडी वाले या पटरी वाले उसको ज्यादा लेते हैं? नहीं, इसको तो कम लेते हैं जी वो। नहीं हाँ, इसको कम लेते हैं क्योंकि ये दिन में खराब हो जाती है गर्मी की वजह से। अच्छा जी। अब जैसे जैसे ठंड पड़ेगी तो पन्नी वाले की डिमांड उठ जाएगी सारी। अच्छा जी। अच्छा, लोकल ज्यादा चलती है फिर, जो 1 किलो बेचने वाला वो 5 किलो की पावर रखता है। अच्छा जी। अच्छा, सर्दी में खराब नहीं होती फिर? ना, सर्दी में खराब नहीं होती, चाहे एक दिन पड़ी रहे या दूसरे दिन भी पड़ी। अच्छा, फिर लोकल मटर भी आ जाएगी इतने दिन? लोकल मटर भी आ जाएगी। मटर भी मेल तो इसका मटर और खुम्बी का ही है, मशरूम मटर। अच्छा जी। मेन तो यही होता है, यदि वो सस्ती होएगी तो इसकी बिक्री बढ़ जाएगी। इसकी बिक्री बढ़ेगी, जितनी मटर डाउन होगी उतनी इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा जी। धन्यवाद बाबूजी। मोबाइल नंबर 416-9911-3713-6। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लो दोस्तों जान लेंगे मूली गाजर वाले किसान सेंड में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, यहाँ क्या क्या उतार चढ़ाव है जी सब्जियों के। भाई साहब के पास गाजर है, ये कह रहा है गाजर लेने आया, ये तो गाजर लेने आया। फूल गोभी, घिया, बैंगन, कद्दू, करेला, मूली, 36 प्रकार की आइटमें। चलिए जान लेंगे यहाँ पर आज के सब्जियों में क्या उतार चढ़ाव है, क्या पोजीशन है, कैसे माल बिक रहे जी। नमस्कार जी बाबूजी। नमस्कार जी। बाबूजी आज का लोकल वाली फूल गोभी का क्या बाजार चल रहा है? 12 रुपए चले बाबूजी। 12 रुपए और ये काम? हाँ जी। और ये पोट का बाजार जी? पोट, पोट 200 रुपए 250 रुपए। अच्छा जी। और ये करेले गाड़ी कहाँ की जी अपनी? करेला यूपी है। इसका क्या बाजार जी? 20 रुपए किलो चला है। अच्छा जी। और मूली का बाजार? मूली 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी। और ये जाल वाला कद्दू जी है? ये 8 रुपए 9 रुपए 10 रुपए। अच्छा जी। और ये घिया कहाँ वाली है जी? घिया जी है, यूपी का है सर। इसका क्या बाजार चल रहा जी? इसका ये बिकी नहीं रही है अभी, घिया भी मंदी है। अच्छा जी। अच्छा। और ये बैंगन बोरियों वाला जी है? बैंगन भी सब मंदा है जी, 10-12 रुपए 14 रुपए किलो। ओ लिया सारी चीज का जी। अच्छा जी, माल ज्यादा भाइयों का भी तो ख्याल होगा ना। और अपना जी मेथी क्या रेट चली जी? मेथी भी पाओ 14-15 रुपए 16 रुपए किलो। अच्छा जी। और भिंडी जी? भिंडी 25 रुपए 26 रुपए बाबू जी। भिंडी कई क्वालिटी की आ रही है, हल्की आ रही है, वो 18-20 की बिक्री पड़ी है, 30-32 भी बिक रही है। अच्छा जी। अच्छा, लोकल सब्जियाँ चल गई और भीड़ हो लीजिए अब बस सारे। हाँ जी, रेट मंदे आ लिए जी अब। चलो आप सबको खाने को मिल जाएगी जी। सबको खाने को मिल जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया जी। मोबाइल 9050017695। धन्यवाद जी। लो जी, जब लोकल सब्जियां चलती हैं तो बड़े बहुत पैमाने पर चलती हैं, सारी मंडी में धूम है। आलू ये अपना किसान साइड है जो मूली गाजर वाला, और सब्जियां सारी पड़ी उधर भी। घी आके तो ढेर लग रहे, घी आके तोरी के बैंगन के, ये पुरानी चीजें होली ना, अब जो नई चीजें खाएंगे लोग, गाजर खाएंगे, फूल गोभी खाएंगे, पत्ता गोभी खाएंगे लोकल वाली।